छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संघ ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रायपुर में हजारों कर्मचारी समयमान वेतन और नियमितीकरण की महंगाई भत्ते के साथ अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर का घेराव किया और संघ का कहना था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी मांगों का निराकरण करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे, नियमितीकरण तो दुर्भाग्य। प्रदेश में कम 6,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। 4 दिन पहले जंगल सफारी में 3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इसलिए निकाल दिया गया कि वो कार के पीछे शेर दौड़ रहा था, लोग रुके नहीं। मांग करते हैं कि हमारी जो महिलाओं की जो समस्या है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मेटर्निटी लीव है, महंगाई भत्ता है और महिलाओं की वेतन विसंगति है, अनुकंपा नियुक्ति है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमारी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। रायगढ़ के